नमस्कार। संपूर्ण हिंदी स्पेशल एकमात्र यूट्यूब चैनल फिफाड़ा हिंदी क्लासेस पर आप सभी का स्वागत है। और इस चैनल पर आपको हिंदी के तीनों पक्षों व्याकरण, साहित्य व काव्य शास्त्र का गूढ़ अध्ययन करवाया जाएगा। तो बढ़ते हैं आज की क्लास की तरफ। और आज की क्लास में एक नए एकांकिकार का परिचय पढ़ने वाले हैं। और नए एकांकिकार कौन है? विष्णु प्रभाकर। विष्णु प्रभाकर, कल की क्लास में अपनों ने जगदीश चंद्र माथुर द्वारा रचित मकड़ी का जाला एकांकी को पूरा किया। और आज अपन नए एकांकीकार के रूप में विष्णु प्रभाकर जी को पढ़ने जा रहे हैं। सबसे पहले तो इनके जीवन से संबंधित कुछ तथ्यों की बात करेंगे। तो इनका जन्म कब हुआ? इनके जन्म की यदि बात करें तो सन 1912 ईस्वी में, 1912 ईस्वी में जन्म हुआ इनका। कहाँ हुआ? तो मीरपुर भी आता है और मीरापुर भी आता है, ठीक है। कहाँ पढ़ता है ये? मुजफ्फरनगर में पढ़ता है, मुजफ्फरनगर में पढ़ता है। अब मुजफ्फरनगर कहाँ पढ़ता है? उत्तर प्रदेश में पढ़ता है, मुजफ्फरनगर उत्तर प्रदेश में। उसके बाद अपन बात करते हैं इनके अंतिम समय की। तो इनकी मृत्यु कब हुई? इनकी मृत्यु हुई थी 2009 ईस्वी में। और मृत्यु कहाँ हुई? चूंकि अपन मृत्यु कहाँ हुई देखते नहीं है, क्योंकि जहां पर मनुष्य जन्म लेता है वहीं पर तो मृत्यु होगी। परंतु कभी कभार कुछ लेखक ऐसे हैं जो सामान्यतः किसी कारणवश अलग जगह पर जाकर रहने लग जाते हैं, तो उस कारण उनकी उनका जो मृत्यु स्थान है वो बदल जाता है। तो यहाँ पर इनके बारे में भी कुछ ऐसा ही है, इनकी मृत्यु दिल्ली में हुई थी। अब दिल्ली में क्यों हुई थी? क्योंकि ये जो दिल्ली में रहने लग गए थे और दिल्ली में जो रेडियो है, दिल्ली रेडियो, उसमें ये नाटक निर्देशक के पद पर कार्यरत हुए थे। कुछ समय तक इन्होंने कार्य किया था, हालांकि अंतिम समय तो नहीं थे, परंतु ये कुछ समय तक नाटक निदेशक के रूप में कार्यरत थे। तो उसके बाद ये दिल्ली में रहने लगे थे और फिर जीवन का अंतिम समय भी उन्होंने दिल्ली में ही बिताया था। इनके पिता का नाम था दुर्गादास। दुर्गादास एक धार्मिक व्यक्तित्व थे, धार्मिक व्यक्ति थे। सामान्यतः इनके पिता धनी व्यक्ति नहीं थे, ये गरीब परिवार से थे। और गरीब परिवार से थे तो घर भी चलाना पड़ता है, तो घर चलाने के लिए इन्होंने सरकारी नौकरी भी की थी। हालांकि सरकारी नौकरी इनकी बहुत ज्यादा बड़ी नहीं थी, इनकी महीने की तनख्वाह 18 रुपए आती थी। हाँ, पहले काफी होती थी उतनी भी। तो इस प्रकार से इन्हें सरकारी नौकरी घर चलाने के लिए करनी पड़ी थी। और साथ साथ इन्होंने लेखन कार्य भी शुरू कर दिया था। परंतु कहते हैं ना कि जिसकी जो रुचि होती है उसमें तो वह जाता ही जाता है। तो सरकारी नौकरी करते हुए इन्होंने लेखन कार्य शुरू किया था, परंतु बाद में जाकर इन्होंने सरकारी नौकरी से तो इस्तीफा दे दिया था, वो तो छोड़ दी थी, और उसके बाद स्वतंत्र लेखन कार्य शुरू कर दिया था। 1934 में इनके द्वारा लेखन कार्य आरंभ किया हुआ माना जाता है। अगर आपसे कोई पूछ ले कि इन्होंने लेखन करना कब आरंभ किया था, तो सामान्यतः नियमित व सुचारू रूप से यदि इनका लेखन कार्य देखा जाए तो वो 1934 के बाद का ही मिलता है। इनकी माता का नाम यदि देखें अपन, तो इनकी माता का नाम था महादेवी, श्रीमती महादेवी था। ये महादेवी वो नहीं है, महादेवी वर्मा जो हिंदी में कवियत्री के रूप में प्रसिद्ध है, वो नहीं है। इनकी माँ का नाम था महादेवी, एक पढ़ी लिखी शिक्षित महिला थी और उच्च विचारों वाली महिला थी। इन्होंने भी, इनका नाम आपको क्यों बताया गया? इसलिए बताया गया क्योंकि इन्होंने भी पर्दा प्रथा के विरुद्ध एक बड़ा अभियान चलाया था। तो पर्दा प्रथा के लिए इन्होंने विरोध किया था, तो इसलिए इनका भी एक प्रभावशाली व्यक्तित्व अपन मान सकते हैं। तो जीवन काल से संबंधित जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए, उसके बाद अपन बढ़ते हैं आगे। 1912 से 2009 तक का इनका जीवन काल है। उत्तर प्रदेश में जन्म लिया और बाद में दिल्ली में इनकी मृत्यु हुई। दिल्ली रेडियो में भी उन्होंने कुछ समय तक नाटक निदेशक के रूप में कार्य किया। और यदि नाटक निदेशक आ गया तो जाहिर सी बात है कि नाटकों का निर्देशन वही कर सकता है जिसको स्वयं अभिनय आता हो, तो ये अभिनय भी कर लेते थे। उसके बाद अपन बात करते हैं पिता एक धार्मिक व्यक्तित्व थे, दुर्गादास थे। और जो धार्मिक व्यक्तित्व होते हैं वो सामान्यतः बहुत ज्यादा
पैसे वाले नहीं होते या पूंजीपति वर्ग के नहीं होते, तो इसलिए ये एक गरीब परिवार से थे, सामान्य से परिवार से थे, तो इसलिए इन्हें साथ साथ काम भी करना पड़ा था, सरकारी नौकरी भी इन्होंने की थी। इनकी माता के व्यक्तित्व का प्रभाव इन पर पड़ा था, जो सामान्यतः प्रभावशाली व्यक्तित्व वाली थी। उसके बाद देखते हैं अपन इनसे संबंधित कुछ और रुचिकर तथ्य आगे। देखिए, इनका मूल नाम क्या था? क्या विष्णु प्रभाकर ही इनका मूल नाम है? जी नहीं, इनका मूल नाम था विष्णु दयाल इनका मूल नाम था, परंतु इन्होंने बाद में प्रभाकर रख लिया था। अब प्रभाकर क्यों रखा था? देखिए, एक संपादक थे, संपादक यानी पत्र पत्रिकाओं के संपादन का कार्य करने वाले जो संपादक थे, उन्होंने एक बार इन्हें सलाह दी थी। क्या दी थी? कि आप तो प्रभाकर यानी प्रभा करने वाले हैं, तो इसलिए आप अपने नाम की जगह विष्णु के साथ दयाल को हटाकर प्रभाकर रख लीजिए। और उसके बाद इन्होंने अपने नाम को बदलकर विष्णु दयाल को विष्णु प्रभाकर कर लिया था। इन्हें हिंदी में एक उपाधि भी मिली हुई थी। कौन सी? भूषण की उपाधि। इन्होंने हिंदी में तो भूषण की उपाधि प्राप्त की थी और संस्कृत में प्रज्ञा की उपाधि इनके द्वारा प्राप्त की गई थी। संस्कृत में प्रज्ञा और अंग्रेजी से ये बीए किए हुए थे, तो शिक्षा इनकी किस विषय से थी? अंग्रेजी से थी। तो अब देखिए, आप अंग्रेजी से बीए की कर रहे हैं, इसका मतलब अंग्रेजी का बहुत अच्छा ज्ञान। हिंदी में भूषण की उपाधि, भूषण का मतलब होता है आभूषण से ही लिया जाता है, यानी जो उसको चमका दे, तो हिंदी के लिए भूषण की उपाधि, इसका मतलब हिंदी में भी बहुत अच्छे। और संस्कृत में प्रज्ञा तो ज्ञान से संबंधित होता है, तो इसलिए इन्हें संस्कृत का भी बहुत अच्छा ज्ञान था। अब सोचिए आप कहां पर हैं और आपको आगे क्या करना चाहिए। तो इस प्रकार से ये इनकी उपाधियां थी। इन पर गांधी जी का भी प्रभाव था। और गांधी जी का किस रूप में प्रभाव था? गांधी जी के दर्शन का प्रभाव इन पर पड़ा था, और इसके साथ साथ गांधी जी के जो सिद्धांत है उनका प्रभाव भी इन पर बहुत था। गांधी जी के दर्शन व सिद्धांतों का प्रभाव था, और शायद इसी का प्रभाव था कि इन्होंने देश हित में कुछ बड़ा करने का सोचा, देश के लिए कुछ बड़ा करने का सोचा। और बड़ा इन्होंने इस रूप में किया कि अपने सभी अंगों का देश के लिए दान कर दिया। इन्होंने अपनी पूरी बॉडी दान कर दी थी, और तभी मृत्यु के पश्चात इनका अंतिम संस्कार नहीं हुआ था। अंतिम संस्कार इनका नहीं किया गया था, क्योंकि इन्होंने अंग दान किया हुआ था, तो अंतिम संस्कार इनका नहीं, और जो इनकी बॉडी थी वो अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान को सौंप दी गई थी। इनकी मृत्यु के पश्चात बॉडी दान की गई थी, तो अंतिम संस्कार हो नहीं सकता था, तो इसलिए जो संस्था है अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान, उसको इनकी बॉडी सौंप दी गई थी। है ना महत्वपूर्ण और अलग से व्यक्ति, और ये ही अलग पहचान है इनकी, जो इनको सभी कवियों से अलग करती है। सामान्यतः ये भी प्रेमचंद जी जैसे जब लेखक लिख रहे थे उस समय ये भी थे, उन्हीं की परंपराओं में ये भी माने जाते हैं, परंतु ये सभी कवियों के साथ लिखते हुए भी उनसे अलग थे। स्क्रीनशॉट लीजिए, उसके बाद बढ़ते हैं अपन इनकी रचनाओं की तरफ। इनके द्वारा प्रमुख रूप में किन किन रचनाओं की रचना की गई, तो देखते हैं अपन। सबसे पहले अपन बात करते हैं इनके द्वारा रचित प्रमुख औपन्यासिक रचनाओं की। इन्होंने कौन कौन से उपन्यासों की रचना की थी? तो सबसे पहले अपन इनके उपन्यासों की बात करते हैं। इनके उपन्यास यदि देखें तो एक इनका उपन्यास माना जाता है ढलती रात, एक इनका माना जाता है पाप का घड़ा,
और एक इनका माना जाता है होरी और एक इनका माना जाता है स्वप्नमयी और एक इनका अत्यंत महत्वपूर्ण उपन्यास माना जाता है अर्धनारीश्वर। अर्धनारीश्वर इनका उपन्यास माना जाता है। तो ये इनकी कुछ महत्वपूर्ण औपन्यासिक रचनाएं हैं, दो मित्र, ढलती रात, पाप का घड़ा, होरी, स्वप्नमयी, अर्धनारीश्वर। उसके बाद अपन बात करते हैं इनकी कुछ कथा संग्रह की। इनके कथा संग्रह की इन्होंने कहानियां कौन कौन सी रची थी या इनके जो कथा संग्रह है वो कौन कौन से थे। इनकी कथा संग्रहों के बारे में यदि अपन बात करें तो एक तो इनका कहानी संग्रह माना जाता है मेरा वतन, मेरा वतन। इसके साथ साथ इनका एक कहानी संग्रह जो अत्यंत महत्वपूर्ण है वो माना जाता है धरती अब भी घूम रही है और एक इनका कहानी संग्रह माना जाता है संघर्ष के बाद और एक इनका कहानी संग्रह माना जाता है खिलौने। ये इनके कुछ महत्वपूर्ण कहानी संग्रह है, स्क्रीनशॉट लीजिए। और यहां पर मैं आपको बता देती हूं कि इन्होंने बहुत ही अच्छे उपन्यास लिखे तो इस आधार पर अपन कह सकते हैं कि ये एक उपन्यासकार थे, उपन्यासकार थे। कहानी संग्रह भी इनके प्रकाशित हुए हैं और भी कहानी संग्रह थे, यहां पर अपनों ने सिर्फ महत्वपूर्ण कहानी संग्रहों की बात की है तो अपन यूं भी कह सकते हैं कि ये कहानीकार या कथाकार भी थे, ठीक है। उसके बाद अपन बात करते हैं इनकी आगे अन्य रचनाओं की, तो इनके द्वारा कुछ नाट्य रचनाओं की भी या नाटक नाटकों की भी इनके द्वारा रचना की गई थी। और इनके यदि अपन प्रमुख नाटकों की बात करें तो देखिए इनके द्वारा एक नाटक लिखा गया था नव प्रभात, नव प्रभात इनका महत्वपूर्ण नाटक था। इसके साथ साथ डॉक्टर इनका महत्वपूर्ण नाटक था और इसके साथ साथ इनके और नाटकों की अपन बात करें तो देखिए डॉक्टर नव प्रभात और इसमें अगर अपन बात करें तो अशोक, अशोक भी इनका महत्वपूर्ण नाटक था। टूटते परिवेश भी इनका महत्वपूर्ण नाटक था। एक और देख लेते हैं अपन, अब और नहीं, अब और नहीं ये भी इनका महत्वपूर्ण नाटक था। तो ये इनके कुछ महत्वपूर्ण नाटक थे और नाटकों के साथ साथ इन्होंने एकांकी भी लिखे थे और इनके एकांकियों में यदि अपन बात करें तो देखिए एक इनका एकांकी संग्रह माना जाता है प्रकाश और परछाई। अब कुछ किताबें इसे परछाइयां भी लिखती है तो आप देख लेना, सामान्यतः ये इस प्रकार से एक ही एकांकी रचना मानी जाती है प्रकाश और परछाई। उसके बाद यदि अपन ने अलग अन्य रचनाओं की बात करें तो एक इनका एकांकी संग्रह माना जाता है ये दायरे ये रेखाएं और इसके साथ साथ इनका एक एकांकी संग्रह और माना जाता है मेरी प्रिय एकांकियां। इस प्रकार से इनके कुछ महत्वपूर्ण एकांकी संग्रह माने जाते हैं। देखिए इन इनके आधार पर यदि अपन नाटकीय रचनाएं देखें तो अपन कह सकते हैं कि ये एक प्रसिद्ध नाटककार भी थे। एकांकी देखें तो अपन यूं भी कह सकते हैं कि ये एकांकीकार थे। और इसके साथ साथ आपको मैं बता देती हूं कि इन्होंने आत्मकथा भी लिखी थी, आत्मकथा, और इनकी आत्मकथा का नाम था पंखहीन और जिसके तीन भाग प्रकाशित हुए थे, तीन भाग जिसके प्रकाशित हो चुके थे ये इनकी आत्मकथा मानी जाती है, जिसके आधार पर इन्हें प्रसिद्धि प्राप्त हुई थी या इनकी जो प्रसिद्ध रचना है वो मानी जाती है इनकी जीवनी। अब देखिए आत्मकथा तो स्वयं के जीवन के बारे में लिखी जाती है और जीवनी किसी दूसरे के जीवन के बारे में लिखी जाती है, तो इन्होंने जीवनी लिखी थी जिसका शीर्षक था
आवारा मसीहा, आवारा मसीहा, ये किसके जीवन पर आधारित थी? शरत चंद्र के आधार पर, शरत चंद्र जी के जीवन पर लिखी गई जीवनी थी, जो इनकी प्रसिद्धि की प्रसिद्धि का आधार थी। अर्थात विष्णु परिवाकर जी साहित्य में जब प्रसिद्ध हुए तो उन वो इस रचना के आधार पर प्रसिद्ध हुए थे। और शरत चंद्र जी बंगाल से थे, तो इस जीवनी को लिखने के लिए इन्होंने कई बार बंगाल की यात्राएं की, इनके जीवन के बारे में जानने के लिए लोगों से मिले, और यहां तक कि बांग्ला भाषा भी इन्होंने सीखी थी। तो इस प्रकार से पूरी जानकारी हासिल करके और इनके जीवन के बारे में जब इन्होंने लिखा था तो वो इतना खूबसूरत था कि साहित्य में ये आवारा मसीह के रूप में ही जाने जाने लगे। तो यहां पर अपन देख सकते हैं कि इन्होंने आत्मकथा भी लिखी, जीवनी भी लिखी, एकांकियां भी लिखी, नाटक भी लिखी, उपन्यास और कथा संग्रह भी अपनों ने देख लिए हैं। जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए, उसके बाद बढ़ते हैं अपन एक अंतिम महत्वपूर्ण तथ्य की ओर। ठीक है, तो यहाँ पर अपनों ने इनके जीवन से संबंधित बात कर ली, इनकी रचनाओं से संबंधित भी अपनों ने बात कर ली। अब अपन बात करते हैं इनके सम्मान की, इन्हें कब कैसे सम्मानित किया गया, इन्हें पुरस्कृत किया गया, उस बारे में अपन बात करते हैं। तो इन्हें कौन कौन से पुरस्कार प्राप्त हुए थे? सबसे पहले तो मैं आपको बता देती हूँ कि अभी अपनों ने एक इनकी औपन्यासिक रचना पढ़ी थी, एक उपन्यास पढ़ा था जिसका नाम था अर्ध नारीश्वर। अर्ध नारीश्वर नाम का एक उपन्यास पढ़ा था। इस उपन्यास के लिए इन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त हुआ था, साहित्य अकादमी पुरस्कार। तो ये तथ्य आप याद रखेंगे। दूसरा पुरस्कार, देखिए साहित्य में सर्वोच्च पुरस्कार माना जाता है ज्ञानपीठ, तो ज्ञानपीठ का भी, ज्ञानपीठ का मूर्ति देवी पुरस्कार इन्हें प्राप्त हुआ था, तो मूर्ति देवी सम्मान से इन्हें नवाजा गया था। इसके साथ साथ यदि अपन इनके और सम्मानों की बात करें तो इन्हें सोवियत लैंड नेहरू सम्मान से भी नवाजा गया था। और अंतिम और अत्यंत महत्वपूर्ण, इन्हें भारत सरकार द्वारा भी सम्मानित किया गया था, भारत सरकार द्वारा। और भारत सरकार द्वारा कौन सा पुरस्कार दिया गया था? पद्म भूषण दिया गया था। और अब आपको याद आ गया होगा कि एक बार लगभग 21वीं शताब्दी में एक बहुत बड़ा विवाद हुआ था जिसके लिए विष्णु परिवाकर जी हर एक चेहरे के जुबान पर थे। कैसी वो क्या था, इन्होंने किसी कारणवश इन्हें थोड़ा सा अपमानित कर दिया गया था, तो वहां पर अपना अपमान महसूस करते हुए इन्होंने पद्म भूषण लौटाने की घोषणा की थी। तो इसलिए भी ये साहित्य में प्रसिद्ध हो गए थे, इसलिए साहित्य में इन्हें लोग भी इन्हें पहचानने लगे थे। तो यहाँ पर आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, चार पुरस्कार है, साहित्य अकादमी, ज्ञानपीठ का मूर्ति देवी, सोवियत लैंड नेहरू सम्मान और भारत सरकार का पद्म भूषण सम्मान। ये था विष्णु प्रभाकर जी का जीवन, याद रखिए विष्णु दयाल या विष्णु प्रभाकर। अगली क्लास में इनके द्वारा रचित एकांकी के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।